गुड मॉर्निंग एवरीवन। तबीयत का अपडेट ये है कि पूरी रात बहुत मुश्किल से निकली। दर्द नहीं था, तेज दर्द नहीं था, बट पता नहीं दवाई लेने के बाद मुझे अजीब सा फील हो रहा था और बस ऐसे लग रहा था कि वॉम्बट लगेगी, लग नहीं रही थी और हल्का हल्का पेन था, नींद नहीं आ रही थी जिसकी वजह से बिल्कुल भी। और मैं लेट नहीं पा रही हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अभी तो थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का वर्कआउट करने जाऊंगी, और क्योंकि कल मैंने वर्कआउट किया तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, क्योंकि वर्कआउट से अच्छा फील होता है नो डाउट। एंड फिर उसके बाद वहीं से मैं टेस्ट कराने जाऊंगी, फिर रिपोर्ट्स आएंगी तो डॉक्टर को दिखाना है और फिर पता चलेगा कि क्या माजरा है, क्यों दर्द हो रहा है, पथरी की वजह से है या फिर कोई और इशू है। तो डॉक्टर को लगता है कि 50% पथरी की वजह से हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है और देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। नए ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर हूँ और तबीयत थोड़ी ढीली है। रिपोर्ट्स की मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूँगी चीज़ें, कुछ भी अच्छा नहीं आया रिपोर्ट में, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ छोटी मोटी। और अभी मुझे ड्रिप लगेगी तो आई थिंक ड्रिप लगाने वाले भैया आ गए। लास्ट जो व्लॉग था उसमें आपने काफ़ी अच्छे अच्छे अपने ओपिनियंस और सजेशन मुझे दिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और आप लोग इतना गाइड कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें मैंने सोची हैं। और अभी क्या था कि रिपोर्ट्स आई थी और जो कि बहुत ख़राब थी। पहले तो एक स्टोन था, अभी दो दिखा रहा था, और एक स्टोन जो था वो नेक में फंसा हुआ था ब्लैडर के, सो उस वजह से पूरे में स्वेलिंग हो रखी थी और बहुत ज़्यादा पेन है, वो फंसी हुई है। एंड मुझे लिटरली इतना दर्द था और डॉक्टर ने वैसे तो सजेस्ट किया था कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, बट मेरा नहीं था और परवेश भी ऑफिस थे तो कैसे हम करते, इसलिए मैंने बोला कि नहीं मैं घर पे ही हो जाऊंगी। और वो हमारे नॉन डॉक्टर थे तो उन्होंने सब कुछ अरेंज कर दिया घर पे ही, और मैं घर पे बहुत अच्छा फील किया मैंने। हाँ जी, तो अभी मैंने थोड़ा रेस्ट किया और आई थिंक 3 बजे मेरी ड्रिप ख़त्म हुई थी तो मैं सो गई थोड़ी देर। अभी 5 बजे हैं और कैन्यूला लगा हुआ है अभी, और अभी मुझे रात को अलग ड्रिप लगेगी। आई थिंक ये 3 दिन चलेगी। तो वैसे तो हॉस्पिटल सजेस्ट किया था, बट वही है कि हॉस्पिटल में भी इतना, मतलब ये घर पे भी हो सकती है चीज़, और ये पिछले साल मुझे सेम मंथ में हुई थी ये वाली चीज़, सो मैंने सोचा घर पे ही करवा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और फैसिलिटी है तो ठीक है। अभी शाम को भैया आएंगे, फिर वो ड्रिप मतलब यहीं होते हैं जब तक, 8 बजे तक लग जाएगी शायद मेरे को, 2 बॉटल्स लगेंगी और एंटीबायोटिक्स लगेंगे। सो अभी डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बोला है और लिक्विड पे ही रहने को बोला है मोस्टली, क्योंकि कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा उस वजह से, और स्वेलिंग ज़्यादा है पित्त की थैली में, सो इसलिए कुछ डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा। एंड रही बात रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स में आया कि ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही, मतलब थकान हो रही है। रिपोर्ट्स में आया कि जो मतलब पित्त की थैली का नेक होता है उसमें 10 mm की एक स्टोन फंसी हुई है, उसकी वजह से जो अंदर पित्त होता है वो अंदर ही मतलब है, वो बाहर रिलीज नहीं हो पा रहा, और जो ब्लैडर का वॉल है वो पूरा स्वेलिंग हो रखा है। सो इसलिए मुझे मतलब मैं ये वाला मूवमेंट नहीं हो पा रहा मेरा, मतलब मैं बेड पे नहीं लेट पा रही। मैं अभी ड्रिप भी सोफा पे इसीलिए लगवा रही हूँ क्योंकि वहाँ एक स्लोप है और मुझे वहीं कंफर्ट हो रहा है, सो बेड पे तो मुझे लेटा भी नहीं जा रहा। अब मैंने सोचा एक दो थोड़ा घर में देख लूँ, उठी हूँ थोड़ा घूमी पहले तो, और फिर देखते हैं आगे। एक दो बर्तन हैं तो इस हाथ से अगर हो गए तो ठीक है, वरना तो आंटी आएंगी सुबह बर्तन साफ करने, वो कर देंगी। ऐसे परवेश नहीं थे वैसे तो आज पूरा दिन, बट अभी वो किसी काम से गए हैं और मैं सोई भी हुई थी तो मैं कहा ऑफिस हुआ थोड़ी देर तो ऑफिस गए मैं। और बाहर इतना अच्छा वेदर हो रहा है, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ एक बार। ये देखो एकदम अंधेरा हो रखा है अभी से, और बारिश आएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और इतना कुछ लग चुके हैं और लगेंगे, ये एक बार में फिर सुबह क्लीन हो जाएंगे क्योंकि अभी भैया आने वाले हैं और ड्रिप मुझे लगेगी वापस, सो बाद में एक ही बार क्लीन करवा दूँगी।
अभी मैं आपको बोल ही रही थी, अभी बाहर एक्सट्रीम बारिश हो रही है, एकदम मस्त तेज इतनी तेज बारिश है। सो गाइस ऑलमोस्ट 7 बज गए और दोबारा ड्रिप मेरी चल रही है, और ये ना जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है ना उस पर लगवा रखी है मैंने। सो बाकी सब गए हुए हैं, वो बंदा जो लगाने वाला वो भी कहीं चला गया, और परवेश गए जिम, इसको 1-1.5 घंटा लगेगा अभी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सो गाइस अभी ड्रिप रात की हो चुकी है और बस अभी थोड़ा मेरा रेस्ट का टाइम है, अब मैं सोऊंगी। आज जस्ट मैं लिक्विड पे ही, कोई खाना वाना कुछ नहीं लिया मैंने, आई थिंक कल भी मैं लिक्विड पे ही रहने वाली हूँ। सो या आज के व्लॉग में यही था, मुझे नहीं पता ये पूरा बना होगा कि नहीं बना होगा, अगर नहीं बना तो कल वाला व्लॉग इसी में मैं ऐड कर दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे, और आवाज़ थोड़ी कम कम निकल रही है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर ले आज, एंड थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, स्वेल तो हो रहा है अभी फेस वगैरह, और रात को भी एंटीबायोटिक्स लगे थे 9-10 बजे तक, और फिर मैं सो गई, मुझे पता नहीं अभी मेरी सुबह ही आँख खुली है, बस आज और कल शायद और लगेंगे, बट अगर मुझे आज बेटर फील हुआ फिर मैं कल नहीं लगवाऊंगी, बट देखते हैं जैसे भी डॉक्टर बोलेंगे वैसे कर लूँगी। अभी मैं थोड़ा बहुत काम समेट रही हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि लड़के तो पूरा घर ऐसे पता नहीं क्यों प्रवेश ऐसे कर देते हैं पूरा घर, अभी चुटपुट चीज़ें उठाई हैं मैंने थोड़ी थोड़ी, और बाहर वेदर इतना अच्छा हो रहा है, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा बारिश जैसा, मतलब इवन बारिश आ ही रही है, कल से 2 दिन हो गए, 2-3 दिन और एकदम यंग, मतलब ऐसा फील नहीं होता 72 के, 86-87 के लगते हैं जब मैंने सुना क्या। Day 2 और आज सुबह से कुछ शूट नहीं किया, पूरे दिन ड्रिप ही लग रही थी, अभी टाइम शाम हुई है 7:30 हुए, ड्रिप बंद हो गई है मेरी, और आई थिंक अब मैं कल को ड्रिप नहीं लगाऊंगी, और देखूंगी कि कैसा फील हो रहा है बॉडी को, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट डे का प्रोसेस होगा, अगर मुझे बेटर फील होता है तो नहीं लगेगी, और अगर थोड़ा लगती है कुछ प्रॉब्लम तो फिर लगेगी। और यहाँ इतनी दवाइयाँ मुझे आज लगी हैं, इतनी इससे ज़्यादा ही बॉटल्स मुझे कल लगी थी, आज थोड़ी कम थी कल ज़्यादा थी, और कल का मैं गैप लेके परसों लगवाऊँगी। सो पूरे दिन मैं 2 दिन से यही हूँ और यही रेस्ट कर रही हूँ, कुछ व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी इसलिए बनाया नहीं, और आई थिंक ये 3 दिन में जाके मेरा व्लॉग कहीं पूरा होगा, बट ठीक है बनाऊंगी जितना भी बनेगा। और अभी तो मैं आज भी बस मैं उठी हूँ 5 मिनट के लिए, थोड़ा फ्रेश अप हुई और उसके बाद अभी सो ही जाऊंगी, क्योंकि लिक्विड पे ही हूँ मैं बिल्कुल, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी, जस्ट लिक्विड चल रहा है मेरा, यही चल रहा है, लिक्विड क्या पानी तक नहीं पिया है, सब बॉटल्स और एंटीबायोटिक्स से चल रही हैं, तो सर भी ऐसे घूम रहा है दवाइयों की वजह से।